आज लगता है क्लास में सबसे पहले मैं ही आ गया, कोई गधे नहीं आया। आज चौथा ना लाइन आया तुम्हारी क्लास का। अरे रुक, लेट क्यों हो गए रे? कुत्ते झुंड में आते हैं, शेर अकेला चढ़ रही है, जाके मुर्गा उधर बन जा। क्या बोलेंगे सर, अब नाइट में क्यों क्लास लगाते हो? अरे बेटा तुमको नहीं पता क्या नाइट में? अरे बेटा मतलब ये स्कूल मेरा, कॉलेज मेरा, ये जगह मेरा, क्लास मेरा, और तुम मेरी, सॉरी अपने बाप की। तो जब आपको कोई दिक्कत नहीं है तो क्या दिक्कत है, चाहे दिन में हो या नाइट में, सब मजा ही मजा है। वैसे तुम लोग खुश हो ना? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है सर, मैं नहीं खुश हूँ। अच्छा चलो चलो बैठ जाओ, लेकिन आगे से गलती मत करना और जल्दी स्कूल आना, ठीक? हाँ चलो बैठ जाओ। हाँ तो बच्चों, आज की क्लास जीके के नाम मतलब कि जनरल नॉलेज। आज मैं आप लोगों से कुछ सवाल करूंगा जिसका जवाब बिल्कुल अच्छे से देना, ठीक है? बच्चों बताओ, वास्को डी गामा भारत कब आया था? सर मैं बताऊं? हाँ बेटा बताओ। सर वो सर्दियों में आए थे। अच्छा, वो कैसे? मैंने एक उनकी फोटो देखी थी जिसमें वो जैकेट पहन रखे थे। सर मुझे पक्का है कि नहीं वो सर्दियों में आए। बस बेटा बेवकूफ, बैठ जा नीचे। वाह। अच्छा बताओ, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? सर 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी पैदा हुए थे। वेरी गुड। अब तुम बताओ कि 1875 में क्या हुआ था? सर उस समय गांधी जी 6 साल के हुए थे। अच्छा। पूरी क्लास सही गए हैं, इतने बेवकूफ बच्चे आगे बढ़ गए हैं। अच्छा चलो तुम खड़े हो जाओ, तुम बताओ पानीपत का युद्ध कब हुआ था? सर मेरे घर वालों ने कहा किसी के लड़ाई झगड़े में मत आना। गधे के गधे ही रहोगे तुम लोग, कभी नहीं सुधरोगे नालायक। अब मैं तुम लोगों को एक ट्रांसलेट दूंगा, उसको तुम अपनी मातृभाषा में कन्वर्ट करोगे। बताओ टेबल पर चाय किसने गिराई, इसको तुम अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट करो। सर मातृभाषा यानी कि माँ की लैंग्वेज। हाँ हाँ बोलो बेटा। सर कुत्ते का मिले टेबल पर चाय किसने गिराई? तू बहुत दांत निकाल रहा है, तू कल अपने बाप को लेके आई हो, ठीक है? सर सबसे बड़ा घर में मैं ही हूँ। क्यों? सर पापा तो छोटे हो, मम्मी के साथ सोते हैं। क्या? बैठ जाओ, पूरी की पूरी क्लास ही कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ से सूरज दूर है या अमेरिका? सर अमेरिका। वो कैसे? सर हम यहाँ से सूरज को देख सकते हैं लेकिन अमेरिका। बैठ जा गधे। अच्छा ये बताओ, जब हम किसी बॉल को आसमान में फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आती है? सर आपको नहीं पता क्या? चुपचाप जवाब दो। सर आसमान में कोई कैद पकड़ने वाला नहीं होता, इसलिए बॉल नीचे चली जाती। करो चुप हो जाओ, बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे तुम लोग। हाँ तो बच्चों, इस साल तुम्हारे स्कूल में डांसिंग कंपटीशन होने वाला है, तो कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा? सर मुझे बहुत अच्छा डांस आता है, करके दिखाऊं? हाँ बेटा जरूर जरूर करके दिखाओ। सर मुझे ग्रुप डांस आता है, करके दिखाऊं? हाँ जरूर, सब लोग करो। राजा राजा राजा,
समाजा उठा लो तनी पूरा बेटा ई खूबे मजा ए राजा 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 कोने जमे समाजा उठा लो तनी। आपके बच्चे इतने बदतमीज हैं किसी की बात ही नहीं सुन रहे, आप देखिए कैसे बदतमीज। अच्छा अच्छा देखता हूँ। क्या सर आप भी इतने अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं फिर भी आप सब कर रहे हैं। आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं गाइस आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, फॉलो